अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वीजा के बारे में। आप लोगों का सवाल होता है कि मोफा अभी तक नहीं आया, या मोफा आ गया वीजा स्टैम्प नहीं हो रहा, या वीजा स्टैम्प हो गया इमिग्रेशन नहीं हो रहा है। गमका मेडिकल का क्या चार्ज है और गमका मेडिकल कितने टाइम में होता है, अगर फिट या अनफिट हो गया तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। न्यू वीजा के बारे में ए टू जेड पूरी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ मैं बात करूंगा, सऊदी से लेके इंडिया तक और वीजा स्टैम्पिंग और आने तक। तो ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के सवाल पे और जवाब इस वीडियो में दे रहा हूँ और फुल डिटेल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। बहुत से भाइयों का सवाल है क्या मेरा वीजा स्टैम्प अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा या मोफा क्यों नहीं इशू हो पा रहा है। एजेंट लोग क्या करते हैं कि उनके पास वीजा हो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका सारा डॉक्यूमेंट और आपका पैसा ले लेते हैं और आपका गम का मेडिकल करा देते हैं या मोफा भी इशू कर देता है। वो इंतजार में रहते हैं कि कोई वीजा आएगा तो स्टैम्प करके आपको भेजेगा, तो उनके पास वीजा आते रहते हैं और इस वजह से वो स्टॉक में रखता है। जैसे वीजा आते हैं एक हफ्ता 10 दिन के अंदर वीजा आपका स्टैम्प करके और इमिग्रेशन करके वो आपको जिस कंट्री आपको जाना है उस कंट्री वो आपको उड़ा देंगे। तो इस तरह से वो लोग एडवांस में काम करते हैं। और जो गमका मेडिकल होता है, गमका मेडिकल सऊदी का अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो ये $10 फीस है, इंडिया का तकरीबन 800 रुपए के आसपास। कहीं से भी आप ऑनलाइन कराते हैं तो 150 वो ले लेगा, तो 1000 रुपए का तकरीबन मान के चलो ये अपॉइंटमेंट लेने का। जब आप सेंटर में जाते हैं तो वहां 5500 रुपए आपको कैश पे करना होगा, या आप कैश दें या चाहे ATM से दें, तकरीबन 5500 और 1000 6000 रुपए आपका लग जाएगा गम का मेडिकल में। अगर आपका गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है तो 90 डेज के लिए आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। 90 डेज बाद आप फिर से रिट्राई कर सकते हैं, दोबारा आप अपॉइंटमेंट लेके गम का मेडिकल करा सकते हैं, फिर से आपको फीस पे करना होगा। और गम का मेडिकल अगर आपका फिट हो जाता है तो आप लेकर के वीजा स्टैम्पिंग पे दे देंगे। और गम का मेडिकल का जो काम होता है वीजा स्टैम्पिंग, जब एक बार आपका वीजा स्टैम्प हो जाता है तो गम का मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो आपका वीजा स्टैम्प हो गया तो वीजा के ऊपर लिखा होता है 90 डेज वैलिडिटी, जिस डेट में वीजा आपका स्टैम्प हुआ उस डेट से लेके 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर आपको उस कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में आपको रुक करना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो वो वीजा आपका एक्सपायर हो जाएगा, फिर से आपका गम का मेडिकल होगा और फिर से जाकर के ये फाइल लगेगा एम्बेसी में और वीजा स्टैम्पिंग के लिए, तो फिर से ये वीजा आपका स्टैम्प किया जाएगा। नए वीजे लेने का दो तरीका होता है। जो सबसे पहला तरीका होता है कि आप किसी भी मेन ऑफिस में, जो मेन पावर है इंडिया में, आप वहां जाकर के ये वीजा ले सकते हैं। जो मेन पावर ऑफिस है दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, और उसके बाद हैदराबाद में भी है। लखनऊ में वैसे सोचा जाए तो हजारों ऑफिस है, हजारों ऑफिस में कोई भी ऑफिस मेन नहीं है। मेन ऑफिस इसलिए नहीं है कि वहां पे जितने छोटे छोटे ऑफिस है वो काम पकड़ के दिल्ली से करवाते हैं और उसके बाद मुंबई से करवाते हैं। कोई भी वीजा स्टैम्प आपने देखा होगा कि लखनऊ से नहीं होता है, क्योंकि लखनऊ में एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी दिल्ली में है या मुंबई में है। तो इनकी जितनी भी कनेक्टिविटी होती है ये बड़े ऑफिस से होते हैं और बड़े ऑफिस से ये आपका वीजा का काम किया जाता है। कुछ भाइयों का सवाल ये भी था कि मैं अपना सारा पैसा एजेंट को दे दिया हूं और मेरा मेडिकल भी हो गया और मेडिकल हुए 1 महीने हो गए, अभी तक मोफा नहीं आया, क्या रीजन है। अगर आपका मेडिकल हो जाता है तो मेडिकल होने के बाद फिर वो चेक किया जाता है फिट है या अनफिट है। अगर फिट है तो जो आपका एजेंट है वो मोफा के लिए एक फॉर्म फिलअप करेगा, वो फॉर्म सऊदी जवाजात में आने के बाद यहाँ से ओके किया जाता है, फिर वो मोफा वहां पे प्रिंट होता है। 24 घंटे के अंदर मोफा प्रिंट हो जाता है, वो मोफा नंबर आप लेकर के जाते हैं वहां पे और स्क्रीनशॉट जो आपके PDF है वो दिखाते हैं सेंटर में, तो वो आपको जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने मेडिकल करवा लिया वो फिट है और उसके बाद आपका जो भी है पासपोर्ट है लाइसेंस है फोटो है आप सारा एजेंट को जमा कर देते हैं, तो एजेंट अपना आप खुद वहां से उठा करके ले जाएगा उसको जब तक जब भी ले जाना होगा। कुछ भाइयों का सवाल ये भी है क्या वहां से मेरा एजेंट ने डॉक्यूमेंट उठाया या नहीं उठाया, रिपोर्ट, ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। ये मालूम आपको नहीं पड़ सकता है क्योंकि ये चीज ऑनलाइन नहीं होता है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं गम का मेडिकल पे कि ये आपका रिपोर्ट फिट है या नहीं फिट है। और उसके बाद अगर आपका कोई यार दोस्त या रिश्तेदार अगर आपका सऊदी में रहता है, अगर वो वीजा देता है, यहाँ वीजा मिल जाता है। जो वीजा होता है ये पेपरलेस वीजा होता है,
जो ये डिजिटल होता है, उस वीजा को यहाँ पे जो मेन ऑफिस होता है मकतब, वहां से वकाला करते हैं एग्रीमेंट, जो इंडिया में मेन ऑफिस होता है उसके लाइसेंस नंबर पे। जब उसके पास वकाला हो जाता है तो फिर आपका मेडिकल होगा, मोफा होगा, 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन के अंदर वीजा स्टैंप आपका हो जाएगा। होने के बाद आप इमिग्रेशन का लफड़ा आ जाता है, अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो। अगर ECNR है तो वीजा स्टैंप होने के बाद आप टिकट लेकर के आ जाएंगे, अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में इस वक्त थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इमिग्रेशन का चक्कर चल रहा है। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि इमिग्रेशन साइट से करवा रहे हैं, 10,000-15,000 चार्ज लग रहा है इमिग्रेशन का। जो इमिग्रेशन उस टाइम बिल्कुल नॉर्मल था तो इमिग्रेशन में 200 रुपए या 500 रुपए लगता था और इमिग्रेशन हो जाता था, इस वक्त थोड़ा इमिग्रेशन का पंगा चल रहा है। क्योंकि सऊदी में आप कहीं भी आते हैं तो इस वक्त 90% लोग यहाँ पे कहते हैं मुझे पासपोर्ट ECNR चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जिसका 10th की सर्टिफिकेट लगा है। जिसका अनपढ़ का पासपोर्ट है उस पासपोर्ट को कोई भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसका वीजा जल्दी नहीं लग पा रहा है। अगर आप किसी यार दोस्त से वीजा लेते हैं तो आपका वीजा लग जाएगा, आसान तरीके से लग जाएगा, इमिग्रेशन भी हो जाएगा। इमिग्रेशन में थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे क्योंकि ये जो इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे सऊदी पोस्ट का लेटर देना होता है और ये जो यहाँ की ID है बताका नंबर वो देना होता है। अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो उसके लिए ना तो सऊदी पोस्ट का लेटर चाहिए ना बताका चाहिए, वीजा स्टैंप हुआ, टिकट लो, चल दो। इस वक्त अगर आप सऊदी से इंडिया जाते हैं या इंडिया से सऊदी आते हैं तो आपका PCR टेस्ट नहीं लगेगा, ना ही आपका क्वारंटाइन किया जाएगा। हाँ, एक रूल और है, अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी गल्फ के किसी भी कंट्री से, अगर आपने वैक्सीन फुल डोज कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपका PCR टेस्ट लगेगा। अगर आपने फुल डोज कंप्लीट कर लिया, फुल डोज में 2 डोज आते हैं, फर्स्ट और सेकंड आता है, अगर आपने 2 डोज कर लिया है कंप्लीट तो एयर सुविधा फॉर्म है वहां जाकर के आपको अपलोड करना होगा और उसके बाद आप चले जाएंगे, वहां आपका PCR टेस्ट नहीं होगा। अगर आप शक के दायरे में आते हैं, जैसे फ्लाइट में 300 आदमी बैठे हैं तो हो सकता है उसमें 20 या 30 आदमी का PCR टेस्ट हो जाए, वो 30 आदमी कौन है, कोई भी हो सकता है, तो आप थोड़े बहुत पैसा कैरी करके चले ताकि आपके लिए ये काम आए। और जब वीजा आपका स्टैंप हो जाता है, स्टैंप होने के बाद आप सऊदी आ जाते हैं, आपका सवाल है कि मुझे 10 दिन होगा, मुझे 15 दिन होगा, अब मुझे अपने देश वापस जाना, मुझे काम नहीं करना। जब आप यहां आते हैं तो 90 दिन का टाइम होता है, 90 दिन के अंदर उसे जजमेंट करने का ऑप्शन मिलता है कि 90 दिन के अंदर अगर वो आपको रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं तो वो आपको वापस भेज देगा। वापस भेजेगा तो उसका वीजा वो नुकसान नहीं होगा, वही वीजा जो आपके पासपोर्ट से है उसको हटा करके ये वीजा दूसरे पासपोर्ट पे स्टैंप कर दिया जाता है। अगर आपका यहाँ पे एक बार मेडिकल हो गया और इकामा बन गया, बेशक 90 दिन हुआ या नहीं हुआ, 1 महीने हुआ, तो वो वीजा एक खसारा हो जाता है, वो आपको जाने के लिए नहीं देगा क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है मंगवाने में। यहाँ पे कोई भी सऊदी को अगर बंदे चाहिए तो 7,000-8,000 रियाल वो ऑफिस में जाकर के पे करता है, और जब इंडिया में जाता है तो इंडिया के ऑफिस वाले वो आपसे पैसे लेते हैं, पता नहीं वो आपसे कितना ले लेते हैं। जब ये इतने पैसे दे करके वो आपको मंगवा रहे हैं तो फिर ये आपको वापस क्यों भेजेगा? आपके पीछे पैसा खर्च किया, आपसे 2 साल तक काम करवाएगा, उसके बाद ही आपको जाने के लिए दिया जाएगा। एक बात और है, अगर आप ड्राइविंग में आते हैं खास करके और आपको मजरा में लगा देता है तो आप अपने कफिल को बोल सकते हैं, अगर आपका कफिल आपकी नहीं सुन रहा है, क्योंकि कुछ भाइयों का कमेंट भी आया था, उस कमेंट का भी जवाब देता हूँ कि आया था कि भाई मुझे काम नहीं करना है या कफिल ने उसे भगा दिया है, तो इस केस में आप सीधा आपको लेबर कोर्ट जाना और उसके ऊपर आपको केस करना है कि मुझे भगा दिया या मुझे नहीं रख रहा है, अगर नहीं रखना है तो मुझे अपने देश वापस भेजो। अगर आप चुपचाप शांत बैठ गए तो आप गलत हैं, तो आप ऐसी गलती मत करें, यहाँ पे हर चीज का तौर है। सऊदी का कानून दिन पर दिन स्ट्रांग होता जाता है और बहुत सी ऐसी चीज है कि फैसिलिटी में और बहुत से ऐसे रूल है उसमें बदलाव आया है, तो अब अपना आपको इंसान को डरना नहीं चाहिए और अपने हिम्मत बांध को रहना चाहिए। इंसान जितना यहाँ पे डरता है उतना उन्हें डराया जाता है, तो डरना इंसान को कम करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बहुत सी ऐसी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ। अगर कोई ऐसा सवाल है कि जो ऐसा मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों को दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहां पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।